तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारी एलईडी बल्ब है, ये हमारा ख़राब हो चुका था और मैंने इसके अंदर बहुत टेस्टिंग करी, तब भी ये नहीं चल रहा था। तो मुझे एक बात पता चली कि यार, इसकी जो ये OBD है, ठीक है, OBD आप जानते हो, ये OBD LCD है, LED सॉरी। तो यह इसके अंदर हमको टाके और वायर लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ये हमारा जो है चालू हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके टाके उतारते हैं, जो हमने इसके अंदर मेहनत करी है पहले से, वो निकालते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमारी आयरन जो है गर्म हो चुकी थी, इसके टाके निकालते हैं। टाके निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी गाइस, लेकिन वायर हमारी छोटी पड़ेगी तो इसलिए हमने टाके भी निकाल लें, हमें बड़ी वायर चाहिए। सबसे पहले हम टाके निकालेंगे, पेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे जो टाके निकल चुके हैं और जो हमारी LED है उसको निकालते हैं, OBD LED। ठीक है गाइस, जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो हमारी LED निकल चुकी है OBD प्लेट। अब हमें क्या करना है कि ये जो इसके अंदर जो बोर्ड दिख रहा है, हमें ये निकालना है, जिसने भी रेजिस्टेंस लगे हुए इसके अंदर, इसे निकालना है और ये हमारे को अब डायरेक्ट चलाना है। क्योंकि ये जो ये IC देख रहे हो आप इसमें और इस LED में, ये दोनों IC डायरेक्ट चला देगी इस LED को। हमें कुछ कोई भी चीज़, इतने देखो इसमें, देखो कितनी कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कितने डायोड लगे हुए हैं, क्या क्या लगा हुआ है। हमें कुछ ही नहीं करना, सिर्फ इसको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, इसके अंदर वायर लगानी है और जो हमारी बल्ब, जो हमारा बल्ब है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। ठीक है गाइस, हमने एक्सपेरिमेंट पहले से कर रखे थे लेकिन यार अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे सोल्डिंग पेस्ट, बहुत दिक्कत आती है गाइस यार इसको निकालने में, पहले इसकी जो पेस्ट निकालना पड़ेगा सारा। अरे दादा, बहुत मुश्किल का काम है गाइस, मेन जो है ना ये निकल जाए बस, उसके बाद सब आसान है। तो फाइनली जो हमारा ये निकल चुका है बड़ी मुश्किल के बाद। तो गाइस, ये जो इसकी प्लेट थी, डायोड था, जो हमारे बल्ब में LED बल्ब में लगा हुआ था, इस बल्ब की हमारे को 1 साल की गारंटी मिली थी बकायदा, वो गारंटी शायद पता नहीं मिली क्या हुआ। इस बल्ब की हमारे को 1 साल की गारंटी मिली थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब ये ख़राब पड़ा हुआ था घर पे, तो मैंने सोचा मैं खुद रिपेयर कर दूँ। और हाँ, एक और बात बता दूँ गाइस, ये जो आप प्लेट देख रहे हो ना, ये मैं लाजपत राय मार्केट से लाया हूँ, कवाड़ी मार्केट से। ठीक है, अब वो अगर आप वीडियो में देखना चाहते हो कि किधर पड़ता है लाजपत राय मार्केट, कवाड़ी मार्केट जो है, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बोल के मुझसे बोलना पड़ेगा, तब मैं आपको लाजपत राय मार्केट की वीडियो दिखाऊँगा, कवाड़ी मार्केट जो है। तो सबसे पहले हम इसको, ये देख सकते हो आप, बोर्ड जो है ये ख़राब ही हो चुका, समझ लो बोर्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, हम वायर लेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये हमारी वायर है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, एकदम परफेक्ट कटिंग लेते हैं इसकी यार। पहले इसको उड़ा देते हैं, अब इसकी पहले कटिंग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वायर नहीं लेनी, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और छील देनी है, और ऐसी इसकी थोड़ी सी लेनी है, छील देनी। ठीक है गाइस, ये हमने वायर छील दिए, अब हमें इसके अंदर टाके लगाने। ठीक है, और टाके लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास कुछ है जिससे हम टाके इजीली लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके होल के अंदर, छेद के अंदर ये डाल देते हैं यार, ताकि तो कोई दिक्कत ना आए। एक वायर निकल गई, अब दूसरी निकालते हैं, थोड़ी मोटी वायर है तो इसलिए दिक्कत आती है, बाकी हमारी वायर भी जो है दोनों निकल चुकी है। ठीक
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सही से रोल कर देना, घुमा देना है। इसकी एक वायर भी बाहर ना निकले, ठीक है, इसकी एक भी वायर बाहर ना निकले। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कृपया करके देखें यार, तभी तो समझ आएगी। अब जो है हम ये जो वायर है हमें इसके अंदर पेस्ट लगाएंगे, ताकि आराम से टाके लग जाएं। पेस्ट ले लिया हमने, अब पेस्ट लेने के बाद क्या करना है हमें, मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो लाइन, लाइन में जो है आपको ब्लैक वाली वायर जोड़नी है, ठीक है। इधर आपको लाइस इस स्विच में आपको लाइन दिख रहा होगा, उसमें ब्लैक वाली वायर जोड़नी है। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है कोई, बहुत आराम से इजीली टाके लग जाते हैं। हाथ से हो जाएगा, मैंने बेकार की बोला यार। ये देखो गाइस, तो ये हमारा टाका लग चुका है। अभी सिंगल वायर रह रही है, रेड वाली जो है आपको एन दिख रहा है न्यूट्रल, उसमें लगानी है, ठीक है। तो ये भी फाइनली हमारा टाका लग चुका है। तो गाइस, इसको सबसे पहले मैं चला के दिखलाता हूँ आपको कि चल रहा है कि नहीं डायरेक्ट, ठीक है। पहले हम इसको चला के देखेंगे कि चल भी रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्विच ऑफ करते हैं इधर से। तो गाइस, हमने स्विच ऑफ कर दिया ताकि अगर शॉर्ट आउट हो, बाकी शॉर्ट तो नहीं होने वाला, एकदम परफेक्ट करा है जिस तरह से, क्योंकि ये OBD वो है ना, LED लाइट तो नहीं होगा कुछ, बाकी हम देखते हैं वाला आके। तो गाइस देख सकते हो यार कितनी तेज़ रोशनी दे रहा है। फाइनली जो है हमारा ये चल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम आपको आगे दिखलाते हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सबसे पहले हम इसकी वायर खींच लेते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस, ये वायर जो हमने अंदर कर दी है, अब हमें इसके अंदर से वायर निकालनी है। इसकी जो प्लेट थी, इसके अंदर से वायर निकालेंगे। तो इसके अंदर से भी वायर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत है बस, ठीक है। पहले हम नाप लेते हैं, उसके हिसाब से ही निकालेंगे। ज़्यादा वायर नहीं लेते, इतनी लेते हैं यार, ठीक है। ज़्यादा वायर नहीं लेंगे, देखो इतनी लंबी ले रहे हैं वायर बस। ये कट गई, ये जो वायर है सब में पहले इसको रोल कर देते हैं, इसके अंदर घुमा देते हैं। ठीक है, अब इसको छील देते हैं और डबल कर देते हैं, डबल, ठीक है। जितनी मोटी होगी वायर उतनी बढ़िया रहेगी यार, तो इसलिए मैं डबल कर देता हूँ। तो गाइस यार, वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आ गया आपको। हम इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, ये हमने डबल कर दिए, इसको भी डबल कर देते हैं और इसको घुमा देते हैं यार। तो गाइस, इसको हमने घुमा दिया, इसको भी घुमा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो ये भी हो गया। अब आप जानते हो जैसे कि आपको पेस्ट लगाना है इसके अंदर, ताकि इजीली जो है टाके लग जाए। पेस्ट लगा लिया हमने, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो छेद है उसको बड़ा कर दें पहले, ठीक है। इसके अंदर जो छेद है ना वो, ताकि तार जो वायर है हमारी वो बाहर आ जाए। तो इसका छेद तो एक तो खुल गया, दूसरा भी खोल देते हैं। हटाना पड़ेगा पहले इसके अंदर से। ठीक है, अब खोलते हैं। तो दूसरा भी खुल गया, बस इजीली घुस जाए, पहले वायर घुसाने में दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए यार थोड़ा सा वेट करें आप, मैं वायर डाल देता हूँ। तो गाइस, फाइनली जो हमारी एक वायर जो घुस चुकी है, बड़ी मेहनत के बाद, दिक्कत आई थोड़ी लेकिन घुस चुकी है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है।
सबसे पहले सोल्डिंग कर देते हैं एक वायर को, तो नहीं दिक्कत आएगी फिर बाद में। तो गाइस हमारी एक वायर जो है सोल्डिंग हो चुकी है, ठीक है, अब दूसरी वायर भी घुसेड़ देते हैं आराम से। तो भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते मेरे को कितनी मेहनत लगी यार इसको अंदर डालने में। अब जल्दी से इसकी सोल्डिंग कर देते हैं बिना टाइम ख़राब करे, कभी ये बाहर निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो भाई सोल्डिंग हो चुकी है हमारी फाइनली, ठीक है, बिना कुछ ख़राब किए। अब तो इसकी जो वायर है हल्की हल्की बाहर आ रही है वो कट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ का हमारा काम तो हो चुका है, ठीक है, अब इसको हम अंदर डालते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको चला के देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा यार। तो गाइस मैं आपको दिखला दूं कि जो हमारा होल्डर है वो इधर लगा हुआ है, ठीक है, अभी हम लगा के देखते हैं कि हमारा वो चल रहा है कि नहीं। तो गाइस मैं दिखला दूँ आपको कि ये जो हमारी, देखो ये जो हमारी क्या नाम है टॉर्च है वो जल रही है अभी। बाकी इसको हम ऑफ करते हैं अभी, पहले देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं है। तो देख सकते हो गाइस ये जो हमारा बल्ब है एलईडी वो चल चुका है और देखो किस तरह से रोशनी दे रहा है। बाकी हम इसको पूरा पैक करके आपको दिखलाते हैं किस तरह से रोशनी दे रहा है, ठीक है गाइस। वीडियो को थोड़ी देर रोकने पड़ेगा।